नमस्कार मित्रों, आप सबसे काफ़ी दिनों के बाद मैं बात कर रहा हूँ। आज सबसे बात करने का मेरा इरादा इसलिए हुआ कि भाई मित्रों, अनार में क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चार चीज़ें मैं समझ चुका हूँ कि एक साधारण हमारे जो किसान हैं उन्होंने क्या करना चाहिए। एक तो हमारे अनार के पेड़ को क्या लगता है, सही समय पर पानी चाहिए, सही समय पर खाद चाहिए और सही समय पर दवा चाहिए और साफ़ सफाई चाहिए। और अगर हमारे प्लॉट में सही समय पर ये चार चीज़ें होती है तो हमें कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये चार चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सफाई, समय पर दवा, पानी और खाद, तो अनार में सक्सेस से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो मित्रों, अनार के संदर्भ में और कई दूसरे फसलों के संदर्भ में आप सभी से निवेदन है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर हमें जो अनुभव आए हैं वो हम मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल का नाम है नितिन ओझरकर, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए। देखिए पत्ते, देखिए कुछ नहीं किया है, ज़्यादा टॉनिक्स है या ज़्यादा हार्मोन्स है इसका इस्तेमाल नहीं करने का, समय पर ज़रूर करने का जब आपको ज़रूरत पड़ती है, पर कोशिश यही करने का कि पेड़ को समय पर पानी मिले, पेड़ पर समय पर खाद मिले और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ सफाई जब तक नहीं रहेगी तब तक आप अगर देखेंगे तो हमें साफ़ सफाई करने से प्लॉट में कीटों का जो संचार है वो कम रहता है, फंगल इन्फेक्शंस कम आते हैं, प्लॉट हमेशा क्लीन रहता है, तो हमें अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते हैं, साइज अच्छी मिलती है। और आप देखोगे बस मित्रों, चलो बाय बाय, जय हिंद, जय किसान।